आप मेरे बालों को देख के ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग की है लेकिन मैंने अपने बालों में अच्छा खासा ऑयल लगाया है थोड़े से डिफरेंट लग रहे होंगे मेरे बाल लेकिन यकीन करिए मैंने अपने बालों में ठीक ठाक ऑयल लगाया है जब आपके बालों की थिकनेस ठीक ठाक होती है तो बाल ऑयल लगाने से एकदम चिपक नहीं जाते हैं बाउंस थोड़े रहते ही हैं जैसे कि अभी मेरे बाल आपको चिपके हुए बहुत नहीं दिख रहे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी लीफ शेयर करने वाली हूँ लीफ का यूज करके ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है और इसे हेयर वॉश करने से सिर्फ एक या दो घंटे पहले आपको लगा के रखना है ये जो लीफ है ये बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है जो हमारे हेयर फॉलिकल को और हमारे बालों को एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है साथ ही साथ इस लीफ के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है तो ये एक तरीके से हमारे स्कैल्प को और हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करती है मतलब हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है और बालों को स्ट्रांग बना देती है जिससे कि बाल जल्दी झड़ते ही नहीं है इस लीफ को आप फ्रेश फॉर्म में यूज कर सकते हैं ड्राई फॉर्म में यूज कर सकते हैं इस लीफ का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं और इस लीफ का पाउडर आपको कहीं भी मिल जाएगा ये कोई मोरिंगा लीफ नीम लीफ तुलसी लीफ ये लीफ नहीं है बहुत ही यूनिक लीफ है और आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की है इसका यूज करके मैं आप लोगों को दो तरीके का हेयर मास्क बनाना बताऊंगी जिसे हेयर वॉश करने से एक दो घंटे पहले आप लगा के रखिए उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए आपके बालों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं ये आपका हेयर लॉस भी रोकता है बालों को रिग्रो करता है बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है साथ ही साथ आपके बालों डेंड्रफ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है डेंड्रफ बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर लॉस के पीछे यह आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का भी काम करता है क्योंकि आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है नमस्कार मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर स्किन केयर और हेल्दी हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अगर आप अपने बालों को लिटरली बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं लंबा घना बनाना चाहते हैं स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती मैं हेल्दी हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो मेरी रेमेडी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा अब चलिए बिना किसी देरी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं आइए बनाते हैं सबसे पहली रेमेडी इसे बनाने के लिए फ्लैक्स सीड की जरूरत पड़ेगी चार पांच चम्मच के बराबर इसके अंदर एक तरीके का जल पाया जाता है जो कि इसवे की प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं ड्राई हैं रफ़ हैं तो इसका इस्तेमाल करिए आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे नेचुरली और साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि देखिए ये प्रीमेचोर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने का काम करता है साथ ही साथ आपके बालों को नेचुरली काला बनाता है हेयर थिनिंग की समस्या अगर है आपको तो वो नहीं होगी रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा डाइट का भी ख़ास ख्याल रखना होता है डैंडव की प्रॉब्लम को भी ये खत्म करने का काम करता है आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई ये जो रेमेडी है जो पहली रेमेडी है इसे आप एज अ नेचुरल क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट का शैम्पू है उसे यूज़ नहीं करना है जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्योंकि मार्केट के शैम्पू के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं शिकाकाई एज ए नेचुरल क्लिंजर तो काम करता ही है उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि डैंड्रफ को खत्म करता है बालों के और इसके के पीएच को मेंटेन करके रखता है क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक होता है हमारे बालों का जो पीएच होता है वो भी स्लाइटली एसिडिक ही होता है अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस हिबिस्कस फ्लावर आपके बालों को डीपली कंडीशन करता है रिपेयर करने का काम करता है आपके बालों को आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज करता है क्योंकि ये आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है इसके अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को रिग्रो करते हैं आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए इन सारी चीजों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है अब यहाँ पे जो यूनिक लीफ का इस्तेमाल करना है वो है मेथी की पत्तियाँ अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेथी की पत्ती फ्रेश फॉर्म में तो हमें मिल ही नहीं रही है हम क्या करें तो आप कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल कर लीजिएगा जो मेथी की पत्तियाँ आती हैं जो अक्सर सब्जी वगैरह में लोग डालते हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा मेथी की पत्तियां हमारे बालों के लिए एक तरीके से वरदान होती हैं यह आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करती हैं और शायद आपको ना पता हो ये एज अ नेचुरल क्लिंजर भी काम करता है मतलब कि इसके अंदर झाग नहीं होता है लेकिन ये आपके बालों को क्लीन करने का, का काम करता है इसके अंदर क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटाईक्सीडेंट होता है जो हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है और बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक्सटर्नली आपके हेयर फॉलिकल को मिलते हैं और आपके बाल ग्रो भी करते हैं रिग्रो भी करते हैं साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है तो यह आपके स्केल को हेल्दी बनाने का काम करता है डेंडरफ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमने इसको पहले ही वॉश कर लिया था तो इसको आपको इन्हीं सारी चीज़ों के साथ ऐड कर लेना है इसमें पानी डालिए पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर फ्रेश फॉर्म में ये लीफ नहीं मिलती है फ्रेश फेनोग्रिक लीफ नहीं मिलती है तो आप ड्राई मेथी लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं मेथी लीफ का पाउडर भी मार्केट में आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल जब भी मुझे हेयर लॉस होता है या फिर मुझे लगता है कि मेरे बालों में डैंड्रफ है तो मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूं और मेरे बालों से डैंड्रफ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं बालों का झड़ना भी रुक जाता है लेकिन जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा और अगर फिर भी सारी चीजें करने के बाद भी आपका हेयर लॉस नहीं रुक रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि हो सकता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो कोई बीमारी हो चाहे आयरन की कमी हो जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा हो तो देखिए हेयर लॉस होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं कोई रीजन नहीं है तो इन रेमेडीज का इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी हेयर लॉस खत्म हो जाएगा बाल रिग्रो करेंगे ग्रो करेंगे लेकिन अगर कोई बीमारी है आयरन की कमी है या फिर हार्मोनल इम्बेलेंस है तो उसके लिए तो आपको दवाएं लेनी ही पड़ेंगी ठीक है तो अभी क्या करना है कि इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में डाल के अब इसको स्ट्रेन कर लीजिए इसमें ज्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है क्योंकि देखिए हमने इसमें फ्लैक्सीड ऐड किया है फेनोग्रिक सीड वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है तो अगर आपने ज्यादा पानी ऐड कर दिया तो ये बहुत ही लिक्विडी हो जाएगा जो आपके बालों में टिकेगा नहीं इसीलिए आपको ज़्यादा मात्रा में पानी ऐड नहीं करना है बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है अभी आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है बिल्कुल हमें ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए जो हमारे बालों में लगातार टपकता ना रहे बालों में कुछ भी अगर लगाओ आप कोई भी हेयर मास्क वो बहुत रनी जब होता है लगातार टपकता रहता है तो उसको लगाने का मन ही नहीं करता और बहुत जल्दी आपको वॉश करना पड़ता है क्योंकि बहुत इरीटेटिंग होता है इसीलिए जब भी आप कोई भी हेयर मास्क बना रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए थोड़ी सी बहुत लिक्विडी नहीं होनी चाहिए जैसे कि इसकी कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है और इसको आप एज अ शैम्पू यूज कर सकते हैं इसको लगाने से पहले आपको अपने बालों में हल्की सी ऑयलिंग भी कर लेनी है ज़्यादा नहीं एकदम थोड़ी सी बहुत ही हल्का हल्का ऑयल लगाना है ताकि आपके स्कैल्प में ऑयल अच्छे से लग जाए और आपके बालों का जो मतलब आपका हेयर स्टैंड जो है वो कोट हो जाए बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं है अब देखिए अच्छे से इसको पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में लगा लेनी है और लगा के इसको कम से कम तीन घंटे के लिए छोड़ना है अगर आपने अपने बालों में ऑयल लगाया है तो इसको थोड़ा देर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल क्लींजर है तुरंत आप वॉश कर देंगे तो आपके बालों से ऑयल नहीं निकलेगा इसीलिए कम से कम तीन घंटे के लिए छोड़िएगा उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है देखिएगा आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी लंबाई भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपको इसमें टेन की प्रॉब्लम नहीं होगी अब यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं दूसरी वाली रेमेडी और ये एज अ हेयर मास्क काम करेगी ये एज अ नेचुरल प्रिंज नहीं काम करने वाली है इसको आपको एज अ हेयर मास्क ही यूज करना है इसके लिए आपको तीन चार चम्मच के बराबर मेथी सीड का इस्तेमाल करना है मेथी सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है ये हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करिए हेयर लॉस खत्म हो जाएगा प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का भी काम करती है एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है तो डैंड्रफ को खत्म करती है आपकी स्कैल्प को एकदम क्लीन कर देती है आपकी स्कैल्प को हेल्दी बना देती है हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी स्कैल्प का होना बहुत जरूरी है अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है या फिर किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन है तो उससे हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है समय से पहले बाल सफेद भी हो जाते हैं बाल्डनेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है इसीलिए हेल्दी स्कैल्प का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे एक मुट्ठी के बराबर मैंने आंवला का इस्तेमाल किया है अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं या फिर आप अपने बालों को काला बनाए रखना चाहते हैं तो आंवला का यूज जरूर करिएगा अब यहाँ पे मैंने तीन चम्मच के बराबर चावल का इस्तेमाल किया है चावल आपके बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है जो बाल ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिपेयर करता है नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है तो मार्केट वाला कंडीशनर आपको यूज नहीं करना है जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो और हाँ, जो राइस होता है ना यह आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करता है आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है तो यह आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी के बराबर फेनो ग्रीक की पत्तियां हमें इस्तेमाल कर लेनी है ड्राई फॉर्म में या फिर फ्रेश फॉर्म में या फिर इसका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं अब देखिए इसको हमें भिगोना है भिगो के पूरी रात भर के लिए रखना है ताकि इन्ग्रेडियंट्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाए इनका इसेंस आ जाए पानी में फिर हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे मतलब इसका हेयर मास्क बनाएंगे लेकिन हेयर मास्क बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग इसमें और ऐड करेंगे अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है कि इसको भिगोना है पानी में ढकिए पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट भी हो चुके हैं अब हम लोग इसका हेयर मास्क जब बनाएंगे तो हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा आप देख सकते हैं फेन्योग्रिक सीड पूरी फूल गई है थोड़ा सा फेन्योग्रिक सीड आप डालो वो फूल के पूरा दो गुना तीन गुना हो जाती है अब यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट का इस्तेमाल होना है जो कि नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है हमारे बालों के लिए यह हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है और ये है योगर्ट योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे स्कैल्प से को खत्म करने का काम करता है दही के अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं तो ये हमारे स्कैल्प को भी बहुत अच्छे से नरिश करता है बालों को भी बहुत अच्छे से नरिश करता है तो आपको क्या करना है तीन चार चम्मच के बराबर दही इस्तेमाल कर लेनी है घर की बनी हुई दही बेस्ट होती है लेकिन अगर आप घर पे दही नहीं बना पा रहे हैं मार्केट से खरीद के यूज कर रहे हैं तो बिना फ्लेवर वाली प्योर योगर्ट ही यूज करिएगा उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए बहुत सारा फ्लेवर वाला योगर्ट भी आता है तो वो सब आपको यूज नहीं करना है प्योर नेचुरल योगर्ट आपको लेना है तीन चार चम्मच के बराबर डालिए अब इन सारी चीजों को हमें ग्राइंडर में डालना है इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ज़्यादा पानी नहीं डालना है वैसे थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई उसे दिक्कत नहीं होगी आपको कई बार इसको अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि जो फेनोब्रिक सीड है ना ये जब अच्छे से ग्राइंड होता है तो थिक भी हो जाता है और जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अभी आप देख सकते हैं हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है इसको अच्छे से हम लोग मसलिंग क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेन करने के बाद ही इसे यूज़ करिएगा इसमें बहुत सारे रेजिड्यू हैं या आपके बालों में फंस जाएंगे अगर आप इसे स्ट्रेन नहीं करेंगे तो अभी मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है यह आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए और ये है रोज़ मेरी इसेंशल ऑयल आपको पाँच छः बूंदे इसका इस्तेमाल करना है अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और अपने बालों में यूज़ करिए जब आप इसेंशल ऑयल भी किसी हेयर मास्क में ऐड करके यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है और वैसे भी इसेंशियल ऑयल को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसको हेयर मास्क में ऐड कर लीजिए चार पांच बूंदें ज़्यादा आपको ऐड भी नहीं करना है इसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो कभी भी सिर्फ आपको इसेंशियल ऑयल अकेले नहीं यूज़ करना चाहिए अपने बालों में इसको हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप हेयर मास्क में यूज़ कर लीजिए मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ अब देखिए आप इसको अपने क्लीन बालों में लगाएंगे आपके बालों में कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए सबसे अच्छा समय होता है कि एक दिन पहले आपने शैम्पू किया है तो नेक्स्ट डे आप इस हेयर मास्क को लगा लीजिए ये एज अ नेचुरल कंडीशनर काम करता है आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है और जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आपको कंडीशनर का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपके बालों को डीपली कंडीशन करता है नरिश करता है मॉइस्चराइज करता है इवन मेरे बाल पहले की बात मैं करूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज रफ टाइप के थे लेकिन जब से मैं नेचुरल होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरीके की रेमेडीज का तो मेरे बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो गए हैं कंडीशन हो गए हैं उतने मेरे बाल ड्राई और डैमेज नहीं हैं हालाँकि मेरे बालों की पोरोसिटी हाई है तो थोड़े से ड्राई और डैमेज लगते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी चेंज हो गया है मेरा बाल पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो तो अगर आप भी अपने बालों का ख्याल रखेंगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे हेयर वॉश करने के बाद आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं मैं अभी मैं कॉम करके आप लोगों को अपने बाल दिखाती हूँ आप देख सकते हैं लिटरली मेरे बालों में बहुत ज्यादा शाइन आ गई है और मेरे बाल कहीं से भी आपको ड्राई रफ टाइप के या फिर ऐसे नहीं लग रहे होंगे कि बालों में बिल्कुल शाइन नहीं है बालों में शाइन बहुत ही कमाल की आ गई है और ये जो हेयर मास्क है ना ये आपके बालों में बहुत ही कमाल करता है एक बार यूज करके आप देखिए आपका हेयर लॉस भी रुक जाएगा और आपके बाल नेचुरली काले होने लगेंगे साथ ही साथ आपके बालों में गजब की शाइन आएगी इन दोनों रेमेडीज का यूज करके देखिए आपके बाल ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी क्रीम शेयर की है और बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क पेस्ट शेयर किया है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग हेल्दी बनाने में बहुत पावरफुल है ब्लैक एंड व्हाइट हेड को भी खत्म कर देता है पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है इसका इस्तेमाल करने से यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा तो ये थी मेरी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोगों को मेरी रेमेडी पसंद आई तो और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी